एक कप गेहूं के आटा से बनाए बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता। तो यहाँ पर एक कप गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा अजवाइन, दो चम्मच तेल अच्छे से मिला दिया आटे में, थोड़ा थोड़ा पानी में डालूँगी और बिल्कुल ही इसे सख्त डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए तो डो यहाँ पर रेडी हो गया है, इसे मैं ढक कर साइड में भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ सब्जियाँ लिया है, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, सभी को मैं एक बर्तन में डाल देती हूँ। आप चाहे तो इस रेसिपी में अपनी मनपसंद सब्जी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, ये देखिए। इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने मिक्स किया हुआ जीरा गुलकी का पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, चटपटा फ्लेवर के लिए चाट मसाला, और एक चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बेसन नहीं है तो बेसन की जगह आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तो मिश्रण बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे साइड में मैंने रख दिया और यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेती हूँ और इस तरह से गोल बना लेती हूँ, ये देखिए। सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। एक गोले के मैंने सूखा आटा लगाकर और इसे मैं बेल लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रोटी जैसे बेलते हैं बिल्कुल उतना ही पतला रखना है। ये थे पांच मैंने रोटी बनाया है और यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता स्वाद अनुसार, इसमें नमक और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, पानी डाला है और इसे बिल्कुल पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर घोल हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है, तो इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक रोटी को ले लिया है और इसके ऊपर से मैंने जो मिश्रण रेडी किया है वो मैंने डाला है और इस तरह से रोटी के ऊपर से फैला देना है। दूसरी रोटी से मैंने इस तरह से कवर कर दिया है और इसी तरह से मैंने दूसरे रोटी के ऊपर भी मिश्रण को डाला है और इस पर भी मैं रोटी से कवर कर दूंगी। इसी तरह से सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और इस तरह से किनारे से थोड़ा सा हाथ से इसे दाब दीजिए ताकि मिश्रण है जो बाहर ना निकले। तो यहाँ मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया, ऊपर से मैंने जाली डाला है, जाली के ऊपर मैंने रोटी को जो बनाया है वो मैंने इस पर डाल दिया है और इसे फ्रेंड्स मीडियम गैस पर 15 से 20 मिनट तक पकने दीजिएगा। तो यहाँ पर 20 से 15 मिनट हो गया और ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो मैं इसे अभी निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये ठंडा हो गया है, ये देखिए। तब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो आप चाहे फ्रेंड्स अपने मनपसंद डिज़ाइन में भी इसे कट कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स त्रिकोण शेप में कट कर रही हूँ, ये देखिए। देखने में कितना सुंदर लग रहा है अंदर से, खाने में भी आपको टेस्टी या चटपटा सा लगेगा। घोल मैंने रेडी किया, उसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पर तेल गर्म हो गया तो तेल के अंदर भी डाल दिया है, तो ये देखिए। तब मैं इसे दूसरे साइड पलट देती हूँ और इसी तरह से दोनों साइड इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों साइड अच्छे से ये फ्राई हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से सारे मैंने रेडी कर लिए और यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किए हैं। चाहे फ्रेंड्स अपनी मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो एक बार इस रेसिपी को घर पर मेरे तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा।